देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं IIBF यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के एग्ज़ाम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो भी हिंदी में। इन क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हो तो आप एक बार में अपना एग्ज़ाम पास कर जाओगे, एक बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो टोटल क्वेश्चन है वो है 100, दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये 100 क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको हिंदी भाषा में मिलेंगे, यहाँ पर हिंदी लिखी हुई देखिए। अगर आपको इंग्लिश भाषा में क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज आप कमेंट कर देना, मैं इसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, इस सीरीज का ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है, और इस पार्ट में मैं आपको कराऊंगा 30 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन। ठीक है, जो पार्ट वन था उसमें किए थे हमने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन, और पार्ट टू में करेंगे 30 से 60, और जो पार्ट थ्री है उसमें करेंगे 60 से 100। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप पार्ट वन देख सकते हो। पार्ट वन का जो वीडियो है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे, और जो पार्ट थ्री है वो भी बन चुका है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, अगर आप 100 के 100 क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हो PDF के रूप में, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम पार्ट टू स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, मतलब 3100 क्वेश्चन है, पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा होता है? तो सबसे सुरक्षित स्थान आप देख लीजिए कौन सा होगा, इसका आंसर होगा बैंक। ठीक है, बैंक में आपका पैसा सुरक्षित रहता है, ब्याज मिलता है आपको, और आप मन चाहे तब पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, सोने और चांदी के आभूषण को बैंक के लॉकर में रखना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, सुरक्षित होता है, और ये चोरी का जोखिम जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर घर में रखोगे तो घर में तो चोरी हो जाएंगे, पर बैंक में रखोगे तो बैंक में भी चोरी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है बैंक में चोरी नहीं होंगे, पूरा बैंक का बैंक चोरी हो जाता है, पर चांस बहुत कम है, पर घर में चांस ज्यादा है। ठीक है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। तीसरा है देखिए, यहाँ पर 33वां, करेंसी नोट जारी किए जाते हैं, जो करेंसी नोट होते हैं, जो नोट होते हैं हमारे 5 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, जो नोट होते हैं वो कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है नोट। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बैंक पासबुक कौन जारी करता है? तो बैंक पासबुक बैंक द्वारा जारी की जाती है। बैंक खातों के लेन देन का विवरण होता है, यानी कि उसमें सब कुछ लिखा होता है कि कितना पैसा आपने अपने अकाउंट में जमा किया, कितना पैसा आपने अपने अकाउंट से निकाला, सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, बैंक की पासबुक में, और जो बैंक में बैलेंस बचा है वो भी दिखाएगा। ठीक है, सब कुछ दिखाता है बैंक पासबुक, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे IIBF एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक किस पर ब्याज देता है, यानी कि जो बैंक में आपको ब्याज मिलता है वो किस अमाउंट पे मिलता है, किस पैसे पे मिलता है वो? तो वो मिलता है हमें जमा पर, जो पैसा हम अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं उस पर हमें ब्याज मिलता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक किस पर, एक सेकंड इसको नीचे कर लेता हूं मैं, ये देखिए, बैंक किस पर ब्याज लेता है? ऊपर पढ़ा था हमने, बैंक ब्याज देता है, देता किस पे है? जितना पैसा हम जमा करेंगे। और बैंक ब्याज किस पर लेता है? तो वो लेता है हमारे ऋणों पर, यानी कि लोन पर। जो लोन हम बैंक से लेंगे उस लोन पर बैंक हमसे ब्याज लेता है। ठीक है, और जो पैसा हम जमा करते हैं उस पर बैंक हमें ब्याज देता है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, शिक्षा ऋण क्या है? शिक्षा के लिए लोन में क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें क्या होता है, ट्यूशन के फीस खर्चे सब होता है, सही बात है। कोर्स पूरा होने के बाद चुकौती योग्य, यानी कि जब कोर्स पूरा हो जाएगा आपका, उसके बाद जब आप जॉब लग जाओगे
उसके बाद ही आपको शिक्षा का लोन वापस करना होता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके अलावा देश और विदेश में पढ़ने के लिए ये लोन मिलते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, व्यवसाय कॉरेस्पोंडेंस से अभिप्राय है, व्यवसाय व्यवसाय कॉरेस्पोंडेंस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है एजेंट जो बैंकिंग सेवा प्रदान करता है उसे कहते हैं व्यवसाय कॉरेस्पोंडेंस। मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी दुकान खुली होती हैं जहाँ पर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, आप बैंक में पैसा जमा करा सकते हो, बैंक से पैसा निकाल सकते हो। तो ऐसे जो एजेंट बने होते हैं वो एक तरह से कॉरेस्पोंडेंस का काम करते हैं, तो इसे कहते हैं व्यवसाय कॉरेस्पोंडेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट बैंकिंग से अभिप्राय है, इंटरनेट बैंकिंग किसे कहते हैं? तो एवन लाइन आंसर है इसका खाते का परिचालन इंटरनेट, खाते का परिचालन इंटरनेट कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग को। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार किया गया नामांकन रद्द किया जा सकता है, एक बार किया गया नामांकन यानी कि अगर आपने बैंक में अपना फॉर्म भरवाया है अकाउंट खोलने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भरवाया और आपका अकाउंट खुल गया, ऐसा नहीं होता। आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, यही इसका मतलब है। नामांकन का मतलब होता है एनरोलमेंट करना, यानी कि कोई फॉर्म वगैरह भरना। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बैंक में एक सेकंड, ठीक है, बैंक में खाता कौन खोल सकता है? मतलब कि एक बैंक में कौन कौन व्यक्ति अपना अकाउंट खुलवा सकता है? तो यहाँ पर है भारतीय नागरिक खुलवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अनिवासी खुलवा सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी खुलवा सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी लोग यहाँ पर खुलवा सकते हैं। अगर कोई विदेश से भारत में आया है तो वो भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, कोई भी इशू नहीं है उसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आप नीचे। ये देखिए, पैन संख्या की आवश्यकता है, पैन नंबर की जरूरत आपको कब पड़ेगी? तो पैन नंबर की, पैन कार्ड की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप अपने बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये से ज़्यादा जमा करवाएंगे। सॉरी, ये नहीं है इसका, ये वाला है, ये वाला है। 50,000 रुपये से अधिक रकम जमा करवाओगे या अधिक रकम निकालोगे तो उस केस में आपके बैंक अकाउंट में पैन नंबर जुड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ आपको फोटो कॉपी भी देनी पड़ती है वहाँ पर। ठीक है, जब आप पैसा जमा कराने जाओगे या निकलवाने जाओगे तो वहाँ पर फोटो कॉपी भी मांगते हैं वो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये है टीडीएस का क्या अभिप्राय है, टीडीएस क्या होता है? तो टीडीएस है हमारा स्रोत पर कर कटौती, जो ट्रांजैक्शन होती हैं जैसे कि पैसा आप निकाल रहे हो, पैसा जमा करा रहे हो, पैसा ट्रांसफर करवा रहे हो, उस पर जो चार्जेस लगते हैं उसे कहते हैं टीडीएस। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अधिकतम राशि का चेक यानी कि आप एक चेक में मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना अमाउंट डाल सकते हो? ठीक है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका आंसर है इसकी कोई सीमा नहीं है। हो सकता है चेक 100 करोड़ का हो सकता है चेक 5,000 करोड़ का हो, चलेगा, और हो सकता है चेक 100 रुपये का हो। ठीक है, कम से कम भी कोई सीमा नहीं है, अधिक से अधिक भी कोई सीमा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए अब करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, बैंक मांग ड्राफ्ट जारी करता है, मतलब बैंक डिमांड ड्राफ्ट, जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो किसको जारी कर सकता है? प्राइवेट बैंक, क्षेत्र बैंक, ये है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी क्षेत्र बैंक, तो सभी को कर सकता है। बैंक डिमांड ड्राफ्ट सभी को कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो क्षेत्रीय बैंक हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र का बैंक हो, सभी को बैंक डिमांड ड्राफ्ट यानी कि मांग ड्राफ्ट जारी कर सकता है।
ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वयं सेवा समूह में, जो स्वयं सेवा समूह होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, कमेटी डाल लेते हैं, 10 लोग मिलके कमेटी डाल लेंगे, फिर हर महीने हर बंदा पैसे जमा करेगा और लास्ट में जैसे जैसे उसका नंबर आता जाएगा उसको पैसे मिलते जाएंगे जिसका नाम आएगा। ठीक है, तो ऐसे समूह में क्या होता है, क्या क्या इसकी विशेषता होती है। तो 5 से 10, 5 से लेकर 20 लोगों का समूह होता है, सही बात है। नियमित बचत आदत होती है, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होता है, एक सिस्टमेटिक बचत बनती है। कोई कोई आपको 500 रुपये देने हैं या 1,000 रुपये देने हैं, ये डिसाइड कर लिया जाता है पहले ही कि भैया इतने रुपए की कमेटी डल रही है, 500 रुपये हर महीने देने हैं आपको, 10 महीने तक देने हैं या 12 महीने तक देने हैं। तो मान लो 12 महीने तक देने हैं तो ये हो गया आपके 6,000 रुपये, 6,000 रुपये की कमेटी हो गई। ठीक है, तो ये नियमित होता है। इसके अलावा जो समूह है, समूह सदस्यों के अंतर्गत ऋण, यानी कि एक तरह से ये लोन का काम भी करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 500 रुपये दिए और आपको 10 जने, ठीक है, यहाँ पर 10 जने हैं, एक से एक 10 जने हैं और आपने दिए 500 रुपये इस महीने। ठीक है, आपको 10 महीने तक देने हैं, लास्ट में मिलेगा आपको 5,000 रुपये। ठीक है, अगर 10 महीने तक आप एक भी पैसा नहीं निकालते तो आपको लास्ट में मिल जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हर महीने लास्ट में एक पर्ची निकाली जाती है और उस पर्ची पर जिस भी मेंबर का नाम आता है उसको पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 500 रुपये दिए थे पर आपका पहले महीने में नाम आ गया, तो आपको ये रकम मिल जाएगी पहले महीने में। आपने दिए थे 500 रुपये सिर्फ, पर मिल गया आपको 5,000 रुपये, तो जो 4,500 रुपये एक्स्ट्रा है ये एक तरह से लोन है, ये एक तरह से लोन मिल गया आपको, बिना ब्याज का लोन मिल गया आपको। यहाँ पर आपको कोई भी ब्याज नहीं लगा। ठीक है, हालांकि कुछ पैसा आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, वो आएगा, पर आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि आपको तुरंत पैसा मिल गया। ठीक है, इसमें ब्याज की गणना एक आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इतने परसेंट ब्याज लग रहा है इसमें। ठीक है, कुछ पैसा एक्स्ट्रा भरना पड़ता ही है पर फायदा रहता है, बैंक के मुकाबले बहुत फायदा रहता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक का भुगतान किसके द्वारा रोका जा सकता है, यानी कि अगर आपने चेक दिया है तो कौन उस चेक को रोक सकता है। तो चेक देने वाला ही रोक सकता है चेक को, और कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ऐसा नहीं जिसको आपने चेक दिया वही रोक देगा चेक आपको, सिर्फ जो चेक जिसने दिया है, जिसने चेक बनाया है, सिर्फ वही आपके मतलब चेक रोक सकता है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आद्यता चेक का भुगतान किया जाता है, जो आद्यता चेक होता है उसका भुगतान किया जाता है, देख लेते हैं यहाँ पर, तो उसका भुगतान किया जाता है किस पर, बैंक, ये देखिए बैंक खाते में जमा कर कर, बैंक खाते में जमा कर कर चेक का भुगतान किया जाता है। मतलब कि आपने बैंक अपने बैंक से आपने चेक दिया कोई किसी को, ठीक है, तो जब वो चेक जमा होगा उसके बाद ही भुगतान वो होता है, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, आवर्ती जमा में, जो आवर्ती जमा होती है उसमें क्या होता है, आवर्ती का मतलब मैं बताया था आपको, करंट अकाउंट होता है, ये होता है हमारा करंट अकाउंट। ठीक है, अब करंट अकाउंट की विशेषता पूछ रहा है क्या क्या होता है। तो करंट अकाउंट में प्रत्येक माह में एक निर्धारित राशि जमा की जाती है, जमा की सॉरी 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 तो मैं गलत हो गया था। ठीक है, आवर्ती जमा में क्या होता है, एक तरह से आरडी होता है, आरडी। ठीक है, मतलब कि आपको हर महीने एक राशि जमा करानी होती है, ये फिक्स होती है, और कितने टाइम के लिए जमा करा रहे हो वो भी फिक्स होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 साल की आरडी ले रखी है, ठीक है, 1 साल की आपने आरडी करवा रखी है बैंक में, रिकरिंग डिपॉजिट करवा रखा है, तो वहाँ पर आपको हर महीने एक रकम देनी पड़ेगी। जैसे कि आपने मान लीजिए 1,000 रुपये करा रखी है, 1,000 रुपये जमा कराओगे हर महीने, और 1,000 रुपये आपने 10 महीने तक जमा करानी है, तो कितना हो गया, 10,000 रुपये। ठीक है, और इस बीच में आपको ब्याज मिल जाएगा, ब्याज होगा वो एक्स्ट्रा मिलेगा बाकी नॉर्मल जो सामान्य जमा होता है उसके मुकाबले। ठीक है दोस्तों, तो इसका अंतर होगा उपरोक्त सभी।
चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। देखिए यह है, नामांकन करते समय मतलब कि फॉर्म भरते समय, एनरोलमेंट करते समय नॉमिनी के हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए? तो देखिए नॉमिनी के हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए, तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि नॉमिनी के हस्ताक्षर नहीं होते ना नॉमिनी के हस्ताक्षर। हस्ताक्षर किसके होते हैं? जो अकाउंट खुलवाता है, जिसका अकाउंट खुल रहा है उसके हस्ताक्षर होते हैं, ना कि नॉमिनी के। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वैसे। यह देखिए, बैंक बचत जमा पर ब्याज कब दिया जाता है? यानी कि अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है तो बैंक उस पर ब्याज कब देता है, कितने टाइम बाद देता है? तो उसका आंसर है अर्धवार्षिक। बैंक अर्धवार्षिक ब्याज देता है, हर 6 महीने में आपके बैलेंस पर, जितना बैलेंस आपका अकाउंट में मेंटेन है उस पर ब्याज मिलता है आपको हर 6 महीने में। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कटे फटे नोट क्या क्या करना चाहिए? जला देने चाहिए, फेंक देने चाहिए, या फिर बैंक में बदले जा सकते हैं? तो इसका आंसर है बैंक में बदले जा सकते हैं। अगर आपके पास फटे पुराने नोट पड़े हैं तो उनको फाड़ना मत, और मत फाड़ना या कहीं फेंकना मत, उसको डायरेक्ट बैंक में ले जाना और वहाँ पर चेंज वो हो जाएंगे। ठीक है, इवन अगर 2 टुकड़े में हो रखा है नोट भी तो वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। देखिए, एटीएम का प्रयोग कर सकते हैं, कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं? तो एटीएम का प्रयोग हम नगद निकासी यानी कि पैसे निकालने में कर सकते हैं, सही बात है। खाते की पूछताछ यानी कि आप बैलेंस चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। खाते का विवरण यानी कि आप बैलेंस ओ ट्रांजेक्शन देख सकते हो कि आपने कब कितना पैसा निकाला, पिछले कुछ ट्रांजेक्शन आ जाती हैं तो आप सब कुछ देख सकते हो एटीएम के थ्रू। ठीक है, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये हमारा है, काउंटर पर जाली नोट का पता चलने पर बैंक द्वारा किया जाता है, क्या किया जाता है? अगर काउंटर पर बैंक को कोई जाली नोट मिल गया तो बैंक क्या करेगा, उस नोट को जब्त कर लेगा और एक रसीद दे देगा, भैया आपने ये जाली नोट दिया था, अब आप इसे घर चले जाओ, पर अगर कुछ केस बनता है फिर वहां पर आपको दबोच लिया जाएगा। ठीक है, एक आध नोट की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं है कि आप 1 लाख रुपए ले गए और 1 लाख के 1 लाख पूरे नकली हैं तो वहां पर तो पुलिस आ जाएगी, समझ रहे हो? एक आध नोट आ गया तो वहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा कि हाँ आप में एक नोट आया था, जब्त हो जाएगा नोट वो। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मियादी जमा का क्या होता है? तो मियादी जमा का जो परिपक्वता से पूर्व भुगतान होता है मियादी जमा का। ठीक, परिपक्वता से पूर्व भुगतान होता है मियादी जमा का। ठीक है, चलिए अब करते हैं कि जो मियादी जमा होती है उस पर चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है, मतलब जो फिक्स डिपॉजिट होती है, मियादी का मतलब हो गया फिक्स डिपॉजिट, जो आपकी फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट उस पर चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, तो बिल्कुल सही बात है। मिलता कब है? तिमाही आधार पर, हर 3 महीने में मिलता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, लॉकर में रखी वस्तुएं, मतलब जो लॉकर होता है बैंक का, उसमें जो सामान आप रखने जाते हो वो किसको मालूम होती है कि आप क्या रख रहे हो उसमें? तो वो सिर्फ मालूम होती है लॉकर होल्डर को, जो लॉकर होता है जिसका, सिर्फ उसी को मालूम होती है। मान लीजिए आपको कोई लॉकर मिला है, आपने बैंक से कोई लॉकर इशू करवाया अपने नाम पर, तो उस लॉकर में आप क्या रख रहे हो, क्यों रख रहे हो, कैसे रख रहे हो, वो कोई नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ आपको पता है वो। ठीक है, चलिए
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगर लॉकर का किराया नहीं दिया जाता तो क्या होता है? देखिए, आपको पता है जो बैंक में लॉकर मिलता है उसमें किराया भी देना पड़ता है आपको, हर साल का या जो भी है किराया देना पड़ता है कुछ टाइम पीरियड का इसमें, ठीक है? तो अगर आप किराया नहीं दोगे तो क्या होगा? तो भैया सब कुछ हो सकता है, आपका जो लॉकर है वो सील हो सकता है, लॉकर का परिचालन बंद हो जाएगा, मतलब आप उसमें कोई और सामान नहीं डाल सकते, और अगर ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा तो उस केस में एक नोटिस देकर आपके लॉकर को भी तोड़ा जा सकता है, और फिर उसमें से जो भी सामान है उस पर कार्रवाई की जाएगी कि उससे भुगतान होगा कि नहीं होगा, ठीक है? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एम जी, देखिए इसको आप याद रख लेना, MGNRE जी एस से अभिप्राय है, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट, सॉरी सॉरी, ये वाला तीसरा है, ये वाला आंसर है, ठीक है? सेकंड, इसका आंसर है ये वाला, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, MGNREGS, ठीक है? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, मियादी जमा की अधिकतम अवधि क्या है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट की अधिकतम अवधि क्या है? तो फिक्स डिपॉजिट की अधिकतम अवधि है 10 वर्ष, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर हमने 60 क्वेश्चन कर लिए, मतलब 30 क्वेश्चन कर लिए पार्ट टू में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 60 से लेकर 100 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, या फिर हमने किसी का आंसर गलत बोल दिया तो आप कमेंट में लिख देना ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए, ठीक है? तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और अच्छी लगी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ और दोस्तों, एक चीज़ बोल दूँ लास्ट में, भूल गया था कि ये पार्ट टू है, पार्ट थ्री में आपको बाकी के क्वेश्चन मिलेंगे, पार्ट वन में आपको 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन मिलेंगे, आप जाकर सभी पार्ट पढ़ लीजिए, 20-20 मिनट के पार्ट होंगे, मुश्किल से फटाफट पढ़ लोगे तो आप पास हो जाओगे आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? चलिए, ये बोल रहा था, थैंक यू वेरी मच।